दोस्तों आज हम आए बदनाम चाट, वृंदावन के बहुत मशहूर चाट वालों के यहाँ पे। पहले हमने बागे बिहारी जी के दर्शन करे, बोलो बागे बिहारी लाल की। फिर हमें लगी भूख तो हम आए भैया के पास, बाकी बात करते हैं। हेलो भैया, हेलो भैया, क्या नाम भैया आपका? तो भैया पहले तो ये बताओ आपके पास क्या क्या वैरायटी है जी? और जी तो आपके यहाँ की सबसे बेस्ट डिश कौन से, जो बेस्ट सेलिंग है? चीला और कांजी बड़ा। तो बाकी गाइस आप देख सकते हैं इनके यहाँ की जो बहुत फेमस जो डिश है वो चीला एंड जो इनका कांजी बड़ा है। और जो इनके यहाँ पे चीला बनता है ना, वो चीला भी बहुत अलग ऑथेंटिक रेसिपी के साथ बनता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा चीला रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं चीला का साइज भी देखिए कितना बड़ा साइज है। एंड आप एक बार इनकी चाहने वालों की भीड़ देखिए, आप भाई भीड़ देखिए। क्या हाल है भैया? राधे राधे भैया। आप देखिए सब ये बदनाम चाट वालों के चाने की दीवान की है ये। आप देखिए इनके पास मिलता है चीला, मिलता है इनके पास चीला है, कांजी बड़े हैं, टिक्की है और इनके पास लस्सी है। और जो इनकी बेस्ट सेलिंग है वो इनका चीला और कांजी बड़े और लस्सी है। ये आ गया इनका ऑयल। ये इनके कांजी बड़े जो है पानी में पड़े, क्या बात है। जय बोल दो क्या, तुम बोल दो क्या, तुम्हारी दुकान है ना ये? नहीं मेरी नहीं, अच्छा। चीला बनवा रहा हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ऑयल आ गया हमारे चीले में। ऑयल नहीं है, घी है। देसी, ये देसी घी है। तो गाइस ये देसी घी है, सॉरी गाय का घी, गाय का घी है। और इनके यहाँ पे प्योर देसी घी में चीजें बनाई जाती है, सही कहा बॉस? एंड आपने चीला बहुत खाया होगा, लेकिन इनकी जो चीले की जो रेसिपी है बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, आप देखते रहना। ये हमारा चीला सीख गया है, भाई वाह। भाई वाह, आप देख सकते हैं गाइस। ओए ओए, जो इसमें स्टफिंग आएगी ना वो देखना, उसका अलग ही मजा है। ऐसा चीला शायद आपने कहीं बनते हुए देखा भी होगा, मतलब देखा है खाया नहीं होगा ऐसा। तो हाँ जी भैया, क्या हाल है भैया? तुम्हें कितने साल हो गए दुकान को? 25 साल। तो ये शुरुआत किसने करी थी? अच्छा टीटू भैया ने शुरुआत करी थी जी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इनकी स्टफिंग आ गई है। तो ये क्या क्या इस मिट्टी में, क्या क्या जी? जी अंगूर भी है जी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इनकी स्टफिंग आ गई है। मैं चीले की दीवानगी एक तरफ और बदनाम चाट वालों के चीले की दीवानगी वो एक तरफ, सही कहा बॉस? और क्या क्या वैरायटी है आपके पास? जी बोला डायलॉग तो बोल दो। कांजी बड़े जो पानी में पड़े, पानी में वही वाह, क्या बात, वही वाह वही वाह। तो गाइस आ गया इनका मक्खन आ गया है, वही वाह। गाइस आप पनीर देखिए, पनीर की तो बारिश करती भैया ने, वही वाह वही वाह वही वाह। गाइस इनके पास पनीर भी A1 यूज होता है, A1। इनके पास पनीर A1 क्वालिटी का है, A1 क्वालिटी का, आप देख सकते हैं। भैया थोड़ी आवाज मंदी कर दोगे? भाई आ गई भुजी आ गई है। वही वाह वही वाह। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ऑथेंटिक चीला है हमारा। ये चीला हो गया है रेडी, बाकी आया प्लेट में। वही वाह भैया, चटनी किस चीज की है ये? धनिया और हरी मिर्च की। और लाल वाली
तो गाइस ये आगे इनकी लाल चटनी आमचूर की चटनी है एंड ये आगे हरी चटनी धनिया और मिर्च की हरी चटनी है एंड ये कांजी बड़े आगे इनके कांजी बड़े आ गए हैं। भाई वाह, ये राई का पानी एक बार आप पी लोगे आपका हाजमा बिल्कुल खत्म। हाँ जी गाइस, बाकी हम भैया से पूछते हैं भैया को यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। हेलो भैया, क्या नाम भैया आपका? राधे राधे, कहाँ से भैया जी? तुम्हें कैसा लगा आपको टेस्ट इनका? जब भी आते हैं यहाँ पे हमीनी का ही खाते हैं, केला टिक्की लस्सी जी, वो भी उनकी खारी बहुत बढ़िया लगती है जी। तो जैसे भी आपने चीले खाया, चीले के हिसाब से, चीले के साथ साथ और क्या सबसे बेस्ट है इनका? इनका सब चीज़ बेस्ट है, कुछ भी उठा के देख लो, टिक्की खाओगे टिक्की बहुत बढ़िया है, केला खाओगे केला बहुत बढ़िया है जी। आप कुछ भी खा के देख लो, सारी चीज़ अवेलेबल मिलेगी, तारीफ एक नंबर। तो हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करेगी आए बदनाम चाट वालों पर। जब भी आओ बदनाम आओ जी, केला खा के जाओ जी। तो बाकी गाइस आप भी आना बदनाम चाट वालों पर खाना और हमें कमेंट बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू भैया। गाइस बदनाम चाट के हमने आपको चीले की रेसिपी दिखाई है, कांजी बड़े दिखाए हैं, अब ये बन रहे हैं हमारे छोले टिक्की। बाकी भैया से बात करते हैं। हेलो भैया, तो भैया ये जो छोले टिक्की है इसका क्या कंसेप्ट है? ये देसी घी का आइटम है जी जी, अनार के दाने हैं जी, काजू है, उसमें से जी जी टिक्की आते हैं जी, प्लस सौंठ चटनी जी जी, मसाला जी, तो ये सब मिलके जब बनती है जी। तो मतलब यहाँ पे मैंने चीले में भी देखा, आप टिक्की में बता रहे हैं, दही बल्लों में भी देखा, तो यहाँ पे भुज्जी डल लिया है, इसका भुज्जी का क्या कंसेप्ट है? जी जी, क्रिस्पीनेस आती होगी जी 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 जी। तो बाकी आप हमारी टिक्की लगाइए आप। हाँ जी भैया जी, आप हमारी टिक्की लगाइए। तो ये भैया इसमें क्या क्या मिक्स रहता है बेस में? इसमें क्या क्या मिक्स रहता है? बस आलू, जैसे बहुत से टिक्की वाले एरो रोट मिलाते हैं, एरो रोट मिक्स है। अच्छा, वो करारेपन के लिए होता है जी। तो बाकी गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी टिक्की बन रही है, और टिक्की का साइज भी देखिए बहुत अच्छा साइज है। और भैया क्या प्राइस होने वाला है? 70 रुपीज़ का एक सिंगल सिंगल टिक्की। तो गाइस आप देख सकते हैं प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। तो गाइस ये हमारी टिक्की आ गई है, इसमें लगेगा टाइम। बाकी भैया ने हमारी टिक्की कर दी है, करा रही है, हम बनवाते हैं पत्ता और खा के यहाँ का टेस्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। बने भैया बोलते रहना। ये आ गई मटर, भाई वाह, ये आ गई हरी चटनी। भैया हरी चटनी किस चीज़ की है? ये धनिया और हरी मिर्च जी। ये दही आ गई भाई, ये आ गई भुजी, आप देख सकते हैं थोड़ी जो लास्ट में क्रिस्पीनेस आई। ये आ गया इनका मसाला भाई, आ गई 2 चम्मच। बाकी खाते हैं, यहाँ का टेस्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। तो हाँ जी गाइस, फाइनली आ गई हमारी टिक्की, और टिक्की पे एक बार नज़र डालिए, इनमें काजू अनार किशमिश एंड आप देख सकते हैं भुजी भी है, जिससे क्रिस्पीनेस आए। बाकी खाते हैं, यहाँ का टेस्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। भाई वाह, टिक्की तो बहुत क्रिस्पी है, और आप देख सकते हैं गर्म कितनी हो रही है, आग बबूला हो रही है, गुस्से में है। बढ़िया है, बहुत अच्छी टेस्टी है, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग होता है। आपको ये टिक्की पसंद आए या नहीं आए वो आप एक बार यहाँ पे विजिट करना, और हमें कमेंट बता देंगे आपको कैसे लगी, और आप अपना जाएगा अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। ये भैया ने थोड़ा कम स्पाइसी बनाया है, एंड अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना बनवाना चाहें तो आप ज़्यादा स्पाइसी भी बनवा सकते हैं। बाकी टिक्की में कोई कमी नहीं है, एक नंबर टिक्की है, एक नंबर। और बाकी हमने चीला भी खाया ना, चीला भी नेक्स्ट लेवल, चीले का तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़। और जो इनका वो है राई का पानी, एक नंबर राई का पानी। हमने कहा हमारे क्या हुआ था सुबह से, मतलब पेट थोड़ा ऐसी हो रहा था, तो भैया ने कहा हमारे एक राई का पानी पियो आप, पेट ऐसा हो जाएगा बिल्कुल बेहतरीन। तो भाई जब मज़ा आ गया मज़ा। तो अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं, पहले बाकी भैया जी के दर्शन करना, फिर उसके बाद आप अपनी पेट पूजा करने के लिए आना बदनाम चाट वाले के यहाँ पे। भाई जब खाने का ऐसा है एक नंबर। बाकी अब हम अपनी टिक्की को फिनिश करते हैं, इतना आप हमारी वीडियो को जाके लाइक शेयर। थैंक यू गाइस, बोल बाकी गरी लाल की जय।